दोस्तों आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला T20 मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 68 रन से जीत दर्ज करी है। दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, जिसमें भारतीय टीम ने अपनी पूरी जान झोंक दी। साथ ही भारतीय टीम के एक महान कप्तान हिटमैन यानी रोहित शर्मा ने भी आज बतौर कप्तानी का रोल निभाया है। दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला काफी टाइम से ठीक नहीं चल रहा था, आखिरकार उनके बल्ले ने आज कमाल दिखा ही दिया। जी हाँ दोस्तों, आज उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को ध्वस्त कर रख दिया। साथ ही एक अर्धशतकीय पारी भी खेली, जिसमें उन्होंने 145 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन 7 चौके और शानदार 2 छक्के लगाते हुए मात्र 44 बॉल में 64 रन की एक कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा की कप्तानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वेस्टइंडीज की टीम बैटिंग करने आई, तब रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का मुजाहरा देते हुए अपने गेंदबाजों से बहुत ही शानदार गेंदबाजी कराई, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में मात्र 122 रन ही बना पाई और 68 रनों से भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्लेबाजी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शानदार और जानदार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सरा को।